आपके बेहतरी की आपको अच्छे हो पढ़ाई में, है ना, संस्कारों में, व्यवहार में, सारी चीजों में, वही सारी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं आपको सिखाने का भी और बताने का। और उसके लिए जरूरी है कि जैसे बच्चों के बारे में बोला जाता है कि वो पढ़ने और समझने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं अपने बड़ों से, बड़े जैसे करेंगे उनको देख कर वो वैसा ही बिहेव करते हैं, वो जो करते हैं वही करने की कोशिश करते हैं, है ना, भले वो काम उनके लायक हो ना हो फिर भी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आपको समझाया भी करते हैं कि देखो तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन सा बेकार है, अभी उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं। पढ़ाई जो तुम लोग करते हो वो देखो तुम लोग उसको बहुत मतलब कठिन बना चुके हो अपनी आदतों से। अगर उसको एक सिंपल तरीके से लो, एक रूटीन वर्क में लो, क्योंकि ये डेली करना भी है हम लोगों को, तो वो उतना कठिन नहीं रह जाएगा जितना कि कुछ लोगों कुछ बच्चों ने बना दिया है, है ना। हर क्लास में एक सिलेक्टेड कुछ स्टूडेंट है, शायद 10 हो, है ना, 11 हो, 7 हो, 5 हो, कुछ इस तरीके का, जो पूरे क्लास को उठा के रखता है। हर दिन ये 7-10 में से जो बच्चे हैं इनका हर दिन 2-3-4-5 जो है कभी होमवर्क नहीं लाना है, है ना, टीचर से जो बोलते हैं वो ना करके कुछ और करके लाएगा, ये अपने क्लास की बात में बता रहा हूँ। जबकि चिल्ला चिल्ला के लोग वहाँ बोलता है कि देखो कल की राइटिंग ये है, कल का ट्रांसलेशन का चैप्टर ये है, कल ये है, फिर कल जब आएंगे तो साहब लोग तो बोलेंगे कौन कौन हम लोग पूछते हैं कि भैया जो जो होमवर्क बना कर नहीं लाए हो जरा सा खड़े होगा, खड़े होंगे, पूछा जाएगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भूल गए सर। बड़ा अजीब लगता है, है ना, टीचर को भी बोलिए कि हम पढ़ाना भूल गए हैं, हमको आज क्या करना है, और बच्चा बोले कि हम आपका होमवर्क लाना भूल गए, तो बहुत आश्चर्य होता है सुनकर। और इसके बाद हम लोग कुछ बोलने के लायक नहीं रह जाते, है ना, क्या कहें कैसे समझाएं ये बातें समझ में नहीं आती कि आपको आप भूल कैसे जाते हो। आपका यही काम मम्मी पापा जो भी हैं घर में, पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उन्होंने आपको कोई काम नहीं दिया है घर का करने को, सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए कि वो डिस्टर्ब ना, और उसमें भी आप भूल जाए, हमने क्या कहा टॉपिक लिखने, आप क्या करके ला रहे हैं पूछने पर सब भूल गए। तो आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं, आपका जो ये सोच है, आपका जो ये व्यवहार है क्लास में, उससे हम लोग आगे का आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में बनने लगता है जो नहीं बनना चाहिए। आपके प्रति जो हमारा नज़रिया है, अगर आप 3-4 बार 5 बार इस तरीके से करते हैं, और हम लोग भी बार बार समझा समझा के जब होता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं आपकी तरफ से, थोड़ा सा दिमाग हम लोग का थोड़ा मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है, लड़का तो भाई बोलते हैं कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्लास में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, शोर नहीं करना है, जो बातें बता रहे हैं वो सुनना है। कल भी परसों हर दिन ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो सुनते हैं, इसमें कोई जवाब नहीं है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। कल भी मैंने कुछ बच्चों को अचानक से खड़ा किया और पूछा कि बताओ हम क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल पाए, और तुम दोनों को मैंने सिर्फ इसलिए खड़ा किया था कि वो दोनों कब करें। अब सोचो कि ये सारी बातें जो है ना होनी नहीं चाहिए, लेकिन होता है और हम लोग आपको मना भी करते हैं, लेकिन कोई सुधार उसमें नहीं है। और इसी वजह से जो हमारा आपका जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा है, कोर्स पढ़ता जा रहा है, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जो बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए ये कोर्स और ज़्यादा मुश्किल होगा, फेल करेंगे, फिर गार्जियन आएंगे, है ना, बच्चा मेरा फेल करा है, लेकिन सही बात ना उन तक पहुँच पाती है।